शनिवार व्रत कथा। अगर आप लोग शनिवार व्रत करते हैं तो ये कथा पूरा सुनिएगा, आधा मत सुन के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो शनि भगवान क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में आप पूरा कथा सुनते हैं तो आपको मन चाह मनोकामना पूरा होगा। चलिए कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, सभी नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। विवाद का कारण था कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कोई निर्णय न होने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र किसी एक पक्ष का नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय देने में अपनी असमर्थ जताई। परंतु उन्होंने उन सबको पृथ्वी पर राजा विक्रम आदित्य के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि राजा विक्रम आदित्य अति न्याय प्रिय थे। इंद्र ने कहा कि वे ही सबका निर्णय कर सकते हैं। इंद्र की सलाह से सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रम आदित्य के पास पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया दिया तो बाकी ग्रह कुपित हो जाएंगे। तब कश्य पीतल सीसा रंगा जष्टा अभर्ग और लोहे से सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। राजा विक्रम आदित्य ने उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। लोहा सिंहासन सबसे अंत में था इसी अनुसार, और लोहे सिंहासन पर बैठने वाला सबसे छोटा हो गया। शनिदेव सबसे अंत में लोहे सिंहासन पर बैठे तो इसीलिए वही सबसे छोटे कहलाए। शनि देव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है, इसीलिए उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा सवा दो महीना दो दिन, मंगल डेढ़ महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, परंतु 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। शनि देव क्रोधित होकर कहने लगे कि श्री राम की 7.5 साल आने पर उन्हें वनवास हो गया, रावण 7.5 साल आने पर वह वानरों की सेना से परास्त हो गया, अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर शनि देव वहाँ से चले गए। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी वहाँ से प्रस्थान कर लिया। कुछ समय बाद राजा की 7.5 साल आई, तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आए। किसी ने राजा को सूचना दी कि कोई घोड़ा का सौदागर आया है तथा उसके पास जो घोड़े है वो बहुत बढ़िया है। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को उस सौदागर से घोड़े खरीदने को आदेश दिया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे, वह 100 उत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा वैसे ही वह घोड़ा भागकर वन की ओर चला गया। वन में काफी अंदर पहुंच हुआ घोड़ा गायब हो गया और राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते राजा को बेहद प्यास लगी, तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा आगे चल दिया और नगर में पहुंचा। वहां उसने अपना नाम उज्जैनी निवासी बीघा बताया। वहां एक सेठ की दुकान से उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ खुश होकर उसने एक खूटी देखी जिस पर एक हार टंगा था। राजा ने देखा कि खूटी उस हार को निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने समझ कि बीका ने हार चुराया है, उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ और पैर कटवा दिए। वह चैरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, उसे राजा पर दया आया और उसने बीका हुआ अपनी गाड़ी बैठा लिया। वह अपनी जीभ से
बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। जब तब वह जिस नगर में था वहीं की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजी। दासी ने बताया कि एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से राजकुमारी अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी, तो उसी से उसे सबने बहुत समझाया। फिर भी जब वह नहीं मानी तो राजकुमारी के पिता उस तेली को बुलाया, भेज दिया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा के विक्रम आदित्य से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनि देव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दे। शनि देव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे कोई दुख न होगा तथा वो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनि देव राजा को उसके हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने जब राजा को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रम आदित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि वह मेरा शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगा जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर कई प्रकार के व्यंजन से राजा को सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूटी हार निगल गई थी वही उसे उगल रही थी। सेठ ने उनके मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कनवरी से शादी करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कनवरी को उज्जैन नगरी के लिए निकल पड़े। वहां नगर वासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा किया कि मैंने शनि देव को छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वपरि है। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख शनि देव दूर करते हैं। बोलिए शनि देव की जय। आरती श्री शनि देव की। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असबारी, नीलांबर धार नाथ गज की असबारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। कीट मुकुट शीश सहज दीपत हे लीलारी, कीट मुकुट शीश सहज दीपत हे लीलारी। मुक्तन की माल गले शोभत बलिहारी, मुक्तन की माल गले शोभत बलिहारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक और मिष्ठान चढ़त पान सुपारी, मोदक और मिष्ठान चढ़त चढ़ती पान सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महसी है अति प्यारी,
लोहा तिल तेल उड़द मसीह अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी, देव धनुज ऋषि मुनि सुमरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान हम है शरण तुम्हारी, विश्वनाथ धरत ध्यान हम है शरण तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। शनि भगवान की जय, सूरज भगवान की जय, छाया माता की जय।